फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ओप्पो A15 का, इसमें हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि अगर आपका नेटवर्क कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, या नेटवर्क जैसे आप नेट यूज करते हैं उस टाइम आपका नेटवर्क हट जाता है, या अगर आपका नेट बहुत स्लो चलता है तो उस टाइम आपका नेट जो रहेगा उसको स्पीड में आप कैसे चला सकते हैं। साथ ही अगर आपका कभी भी नेटवर्क जैसे होता है दोस्तों, अगर आप चलाते चलाते नेटवर्क कभी कभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क फुल नेटवर्क है, यहाँ पर हट जाता है, एक दो ठो नेटवर्क आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को भी आप कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोस्तों सेटिंग में आना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग हम लोगों को सिम वन में लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो सिम वन टू आपका जितने भी लगा रहेगा दोस्तों, सिम वन में अगर नेट चलाना है तो सिम वन में सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्लियर नीचे ऑप्शन आ रहा है, क्लियर का देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से क्लियर में ऑप्शन क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों सबके बहुत सारा सेट में रहता है, मिनिमल किया रहता है, तो उसको ऑटोमेटिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मिनिमल ऑटोमेटिक है, जिसको ऑटोमेटिक ही रखना है आपको। उसके बाद तो यहाँ पर दूसरा नंबर में देख सकते हैं सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट का जो ऑप्शन है, इसमें एक बार सिंपल से यहाँ से हम लोग एक बार रिसेट कर देना है आपको, यहाँ से हम लोगों को रिसेट कर देना है। जैसे हमको बहुत सारा सेट में दोस्तों हो जाता है जिसका एमबी बढ़ जाता है, तो उसके चलते भी हम लोग का नेट जो रहता है वो पूरा स्लो हो जाता है, तो उसको यहाँ से सिंपल से एक बार रिसेट कर देना है आपको। रिसेट करने के बाद दोस्तों जो रहता है हम लोगों का APN का सेटिंग जो भी रहता है वो पूरी तरह से रिसेट हो जाता है, और उसका नेट पूरा स्पीड में चलेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों अगर आप फिर भी अगर आपका नेट अगर स्लो चलता है तो एक बार आपको इनेबल कर देना है, इसको डिसेबल करना है आपको। एक नंबर सिम में आपका यूज कर रहे हैं तो एक नंबर का आपको डिसेबल कर देना है, फिर से उसको इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेट यूज करना है, उसके बाद देखना है कि आपका नेट स्पीड चलता है कि नहीं। अगर फिर भी अगर स्पीड नहीं चल रहा था तो सिंपल था दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को आना है और यहाँ पर फ्लाई मोड कर देना है एक बार, फिर दोबारा से हम लोगों को फ्लाई मोड ऑन कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आपका जो भी नेटवर्क रहेगा वो पूरा स्पीड में चलने लगेगा दोस्तों। फिर भी अगर आपका नेटवर्क कभी कभी छोड़ देता है या नेटवर्क स्लो हो जाता है, फिर भी अगर आपका नेट स्पीड नहीं चलता तो सिंपल सबको नीचे आना है दोस्तों, और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को बैकअप एंड रिसेट में क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को देख सकते हैं ओल्ड डाटा फैक्ट्री रिसेट, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को आएगा रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। इसमें आपका जो पहला नंबर रहेगा दोस्तों उसको फुल आपको रिसेट कर देना है। उसमें क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी नेटवर्क के बारे में जो भी अगर नेटवर्क सेटिंग या आपका कुछ भी सेटिंग इसमें गड़बड़ रहता है या आपका सेटिंग खराब रहता है, तो उस सेटिंग को सही हो जाएगा। यहाँ से आपको रिसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इसमें आपको पूरा रिसेट कर देना। जैसे रिसेट कीजिएगा आपका नेटवर्क का या कुछ भी अगर जो भी आपका सेटिंग रहेगा वो सब सेटिंग, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा बहुत स्लो रहेगा सेटिंग, सब वो सेटिंग आपका ठीक हो जाएगा और चलने भी लगेगा।